पिछले 2-3 दिनों से हो रही मूसलाधार बरसात ने वसई विरार का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बरसात के साथ चली तूफानी हवाओं ने कई पेड़ों को जमीन पर सुला दिया। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये नज़ारा है वसई पश्चिम स्थित सन सिटी का। ये रास्ता नालासोपारा पश्चिम को जाकर मिलता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि मानो हम किसी समुन्दर को देख रहे हैं, परंतु आपको बता दें कि हम किसी समुन्दर को नहीं बल्कि उस रास्ते को देख रहे हैं जो इस समय जलमग्न हो चुका है। यहाँ आने जाने वालों के लिए रास्ता बंद हो चुका है। अगर वे इस रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें आधे से ही वापस आना पड़ेगा। अब हम इसे प्रशासन की लापरवाही कहें या मौसम की मार, कहाँ गए सत्ताधारियों के वे दावे कि क्षेत्र में पानी नहीं भरेगा? कहाँ है वे मनपा के ठेकेदार और उन ठेकेदारों के मसीहा मनपा अधिकारी जिन्होंने बरसात के पानी निकास के लिए करोड़ों के ठेके दिए हैं? फिर भी वसई जलमग्न दिखी। वसई से दीपक कोटेकर की एक रिपोर्ट। नमस्कार, क्राइम टीवी न्यूज से मैं दीपक कोटेकर। इस वक्त हम मौजूद है वसई पश्चिम स्थित सन सिटी रोड पे। ये वसई का रोड है जो नालासोपारा को जोड़ता है। ये रोड बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया रोड है जहाँ से हम शॉर्टकट जा सकते हैं, लेकिन 2 दिन के भारी बारिश की वजह से यहाँ पर ये जो रोड है ये पानी के नीचे आ चुका है। आपको ये पूरा नज़ारा दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप सोचते रहेंगे कि हम समंदर में खड़े, तो हम समंदर में खड़े नहीं है। ये जो रोड है वो पानी के नीचे आ चुका है, इसीलिए हमारे जो यहाँ के रहवासी अगर यहाँ से जा रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि आप 2-3 दिन के लिए यहाँ से आना जाना बंद करें, क्योंकि आपको आधे रास्ते से ही वापस जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि 2 दिन किस तरीके से बारिश हुई है। इस बारिश ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हुए हैं। मेरे सहयोगी दिग्विजय कोकड़े के साथ दीपक कोटेकर, क्राइम टीवी न्यूज़, वसई।